कई लोग तो कुपुत्र इसी को समझते हैं कि माँ बाप की सेवा ना करे वही कुपुत्र, ऐसा नहीं। माँ बाप की सेवा ना करे वो तो कुपुत्र है ही, साथ में जो समाज को दुख दे वो भी तो कुपुत्र है, जो बेवजह दूसरों से लड़े वो भी तो कुपुत्र है, बेवजह दूसरों के जीवन में कांटे बोए वो भी तो कुपुत्र है, अपने धर्म का परित्याग कर दे वो भी तो कुपुत्र है, दूसरे के धन का हरण कर ले वो भी तो कुपुत्र है, इत्यादि इत्यादि। तो कुपुत्र वो ही नहीं है जो सिर्फ हमारी सेवा ना करे, कुपुत्र वो है जो किसी को भी दुख दे बेवजह, लेना देना और फिर भी दुख दे, वो कुपुत्र है। या तो शास्त्र तो यहां तक कहते कुपुत्र से तो निसंतान रहना बढ़िया, निसंतान अगर हम रहें कुपुत्र हो उससे बढ़िया कि निसंतान रहें। निसंतान रहेंगे तो एक ही दुख जीवन भर रहेगा कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, लेकिन अगर कुपुत्र हुआ तो जीवन भर तकलीफ लगी रहेंगी, कभी किसी की कभी किसी की कभी किसी, जीवन भर तुम्हारे यहां दुख आते रहेंगे एक पुत्र की वजह से, कुपुत्र की वजह से। इसलिए सनातन धर्म के सभी प्रेमियों को एक विचार हमेशा करना चाहिए कि घर में संतान हो अच्छी बात है, पर संस्कारी संतान हो जो सिर्फ तुम्हें ही सुख न दे, सिर्फ अपने परिवार का ही पालन पोषण न करे, अपितु समय पड़ने पर और उपलब्धता होने पर वो समस्त प्राणियों की रक्षा करे, उनकी सेवा करे, अवसर मिले सामर्थ्य अनुसार सेवा करे। सामर्थ्य नहीं है, विचारों की सामर्थ्य है, अच्छे विचारों से समाज की सेवा करे, तन में बल है तो बल से सेवा करे, समाज की धर्म की रक्षा करे, इत्यादि इत्यादि। उसको सुपुत्र कहा गया शास्त्रों में।